शुपन एंड होप ऑल यू डूइंग वेल। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज के बारे में। तो क्या क्या रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज ने क्या क्या किस किस लेवल पे की थी, तो सारा कुछ वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन फॉलोड द डिवाइन राइट ऑफ थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने एक थ्योरी अपनाई थी जिसको कहा गया द थ्योरी ऑफ किंगशिप, मीन्स किंगशिप नोस नो किंगशिप। मतलब एक राजा कुछ भी नहीं जानता एक राजा को अपनी प्रजा चलाने के लिए, मतलब अगर राजा को राजा बने रहना है या राजा को अपना एम्पायर आगे बढ़ाना है तो वो कुछ भी करे वो जायज कहलाएगा। ये होता है थ्योरी ऑफ किंगशिप, किंगशिप नोस नो किंगशिप। यानी एक राजा को मार के खुद को राजा बनाना पड़े तो वो भी कोई गलत नहीं है, इसलिए एक राजा कुछ भी करे वो जायज माना जाता था। इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ किंगशिप। आगे देखते हैं, ही इंट्रोड्यूस फोर ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट रिपीटेड रिवॉल्ट्स। अब जो अलाउद्दीन खिलजी था उसे पता था कि भाई मैं एक जलाउद्दीन खिलजी को मार के खुद यहाँ पे सुल्तान बनाऊँ तो कभी भी मेरे खिलाफ भी रिवॉल्ट हो सकता है, इसलिए वो रिवॉल्ट ना हो उसको दबा के रखे और रिवॉल्ट होने का कारण ही ना बने। उसने बहुत सारे चीजें लेके आए, उसमें से चार ऑर्डिनेंस लेके आए। चार ऑर्डिनेंस कौन से? पहला ऑर्डिनेंस, ही इम्पाउंड पायस ग्रांट एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब देखिए पहले क्या होता था, जो नोबल्स होते थे, जो उसने खुद देखा था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम से, खुद नोबल्स होते थे या जो मंत्री होते थे बड़े बड़े पोस्ट पे, वो लैंड को काफी अक्वायर करके रखते थे। जो आसपास के लैंड है उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे या उनको लैंड गिफ्ट कर दी जाती थी। तो उसने लैंड पे गिफ्ट जो दी जाती थी बड़े बड़े मंत्री को उस पर रोक लगाई और ये भी चेक रखा कि अपने सीक्रेट स्पाइस द्वारा कि किसके पास कितनी लैंड है, उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं बढ़ रही, मतलब किसी से वो पैसे लेके प्रॉपर्टी तो नहीं बढ़ा रहा अपनी और इसके खिलाफ साजिश कर रहा हो। तो ये सारा कुछ उसने किया ताकि रिवॉल्ट शांत रहे। अगला क्या है, ही रीस्ट्रक्चर द स्पाइस सिस्टम। अब जो पहले का स्पाइस सिस्टम था वो उतना कामयाब है, इतना एफिशिएंट नहीं था, तो इसने रिकंस्ट्रक्ट किया स्पाइस सिस्टम को। स्पाइस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से लेके आया ताकि कोई भी रिवॉल्ट हो उससे पहले इसको पता लग जाए और उसको ये सरप्राइज कर दे उठने से पहले। और ये जो स्पाई होते थे इसके अलाउद्दीन खिलजी के, वो हर एक मंत्री पे हर एक नोबल पर्सन पर एक अच्छे से चेक रखते थे, उनकी प्रॉपर्टी पे चेक रखते थे, उनसे किन की वो मीटिंग कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या आप क्या वो उसके बारे में बोल रहे हैं, सारा कुछ करते हैं। एक कहानी मैं आपको इससे रिलेटेड बताता हूँ कि जो मैंने पिछली बार एक न्यू मुस्लिम की बात की थी, न्यू मुस्लिम वो लोग थे जो मंगोल से आए थे, जो मंगोल का आक्रमण जब यहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे काफी लोग आए थे, पर जलालुद्दीन खिलजी बहुत अच्छा काइंड इंसान था तो उनको वो क्या करता, उन लोगों को मुस्लिम धर्म अपना के यहीं पे दिल्ली में सेटल कर देता है। और वो लोग अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ आवाजें उठाते हैं टाइम टू टाइम, तो अलाउद्दीन खिलजी स्पाई के द्वारा पता लगाता है कि कौन कौन सा आवाज उठाता है और एक ही रात में जाके 30-40 हज़ार लोगों को मार देता जो न्यू मुस्लिम थे। तो एक दिन उसने यही किया था अपने स्पाई सिस्टम के कामयाब होने के कारण, स्पाई सिस्टम को खबर पहुंचा देती है कि भाई तुम्हारे खिलाफ रिवॉल्ट हो सकता है और ये कौन, ये न्यू मुस्लिम है जिनको जलालुद्दीन खिलजी ने पहले यहाँ पे पनाह दी थी जो मंगोल से आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, ही बैंड सोशल पार्टीज एंड वाइन। अब जो भी कोई सोशल गैदरिंग होती थी, कोई तीज त्यौहार होता था, उसको इसने खत्म कर दिया था। प्लस एक और चीज, जो अल्कोहल होता था, जब वाइन होती थी उसको भी इसने बैन कर दिया था, खत्म कर रखा था अपने राज में ताकि रिवॉर्ड ना बढ़े, यहाँ पे लूट मार ना बढ़े। ही इंट्रोड्यूस अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अब यहाँ पे चीज को समझिए, जो इससे पहले के रूलर्स थे या जो रूलर्स थे इसके टाइम के, वो क्या करते थे, उनके पास एक परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। परमानेंट आर्मी का मतलब ये होता है कोई ऐसी आर्मियां, ऐसे लड़ने वाले जाबाज आपके पास है, लड़ने वाली आर्मी तो जिनका काम ही ये है कि वो सिर्फ लड़ाई करे। ठीक है, पहले के जो किंग्स की आर्मी होती थी वो कैसी होती थी कि कोई किसान है, कोई आपका जो मतलब कुम्हार है या कोई लकड़ वाला काम कर रहा है, जब किंग को जरूरत होगी लड़ाई पे जाने है तो वो अपना काम छोड़ के आर्मी में भर्ती हो जाता है, उसकी तरह लड़ते रहे। वो इतने एफिशिएंट नहीं होते क्योंकि उनका अपना एक काम है, वो कोई किसानी कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई लकड़ा काम कर रहा है, पर उनको कैसे ये नहीं पता कैसे लड़ना है। पर इसने क्या किया, एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी और उनको एक सैलरी दी टाइम टू टाइम, ताकि वो आर्मी अपना डेली का खर्चा चला सके और ये नहीं कि भाई आर्मी में है तो अपना खर्चा चलाने के लिए किसानी कर रहे हैं या कोई नया नया काम पकड़ रहे हैं, तो नहीं भाई तुम अपनी ट्रेनिंग करो और कभी भी मेरे को आगे कभी जंग की जरूरत होती है तो तुम जाके लड़ो और सबको मार दो वहां पे। इसीलिए जो इतना मुगल का इन्वेजन हुआ, इतने बड़े बड़े इन्वेजन अलाउद्दीन खिलजी कर पाए क्योंकि सब बहुत एक अच्छे एफिशिएंट लोग थे और लोग इसकी आर्मी में ज्वाइन करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सैलरी टाइम पे मिलती थी, प्लस इनको अच्छे इक्विपमेंट मिलते थे और इनकी टाइम टू टाइम इनकी जो ट्रेनिंग है वो चलती रहती थी। इसको ही परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी कहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी आया क्योंकि उसे पता था कि मैं आर्मी के दम पे ही मैं जीत सकता हूँ। ठीक है, तो उसने आर्मी बहुत अच्छी मेंटेन की, उस पर सैलरी उसको टाइम फिक्स की और उनको ट्रेनिंग देता रहता। आगे देखते हैं,
He started a system of branding of horse and descriptive roster of individual soldier to inhabit corruption. अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स और ब्रांडिंग ऑफ चेहरा सिस्टम इस्टेब्लिश किया था. चेहरा सिस्टम, देखिए ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स का मतलब क्या होता है कि हर हॉर्स पे एक दाग दिया जाता था, मतलब दाग मतलब ब्रांड लगाया जाता था, गर्म करके सरिया उन पर चिपकाया जाता था कि पता लगे कि हाँ ये एक नंबर है, दो नंबर, चार नंबर, इससे काउंटिंग हो जाएगा कितने हॉर्स उनके पास है और कितने नंबर के हॉर्स मर चुके हैं हमारे वॉर में, कितने रह गए हैं ये. और सेकंड, इसने चेहरा सिस्टम स्टार्ट किया था, मैं शायद लिखना यहाँ पे भूल गया, चेहरा सिस्टम जो कि था लोगों द्वारा. अब जैसे मान के चले चेहरा सिस्टम का मतलब क्या है, इतने आर्मी के ट्रूप्स इसके पास हो, उनको ये चेहरा देता था, उनका एक्चुअली उनके रजिस्ट्रेशन करता था कि पता लगे कोई एक, पहले क्या होता था कोई एक पर्सन अपने को चार तीन चार पांच बार काउंट करवा लेता था और जब लड़ाई का टाइम आता लगता था वहां पर 3-4 हज़ार सोल्जर है पर वो एक ही 3-4 बार काउंट हो जाता था तो वो पता लगता था कि 1,000 सोल्जर ही बचे. इसलिए अपनी आर्मी पर बहुत इसने ध्यान दिया और देखा कि सब काउंटिंग बिल्कुल सही से हो ताकि हम उसको सैलरी भी ढंग से दे पाए और उनको क्या तो कहते हैं यूज भी अच्छे से कर पाए हमारे वॉर्स के टाइम में. आगे देखते हैं, ही फिक्स द प्राइस ऑफ द नेसेसरी कॉमोडिटी विच बिलो द नॉर्मल मार्केट प्राइस. अब जो भी नेसेसरी कॉमोडिटीज होते हैं, नेसेसरी कॉमोडिटी वो जरूरतमंद की चीजें हैं, जैसे कि नमक हो गया, खाने की चीजें हो गई हैं, ब्रेड बटर ये सब चीजें हो गई हैं, ये होती है नेसेसिटीज कॉमोडिटीज, के बिना कोई इंडिविजुअल जिंदा नहीं रह सकता. तो इसने क्या किया कि जो पहले होता था कभी प्राइस ऊपर चले जाता था कभी नीचे चले जाता था, तो देखिए इसने दोनों चीजें देखी. इसने आर्मी को भी अच्छे से मेंटेन किया ताकि अगर कोई रिवॉर्ड करे तो उससे ये बच सके, प्लस उनको खुश रखा, प्लस इसने आम जनता को भी खुश रखने के लिए ये कहा है कि जो नेसेसिटी कॉमोडिटीज उसका प्राइस ज्यादा ऊपर ना जाए और ये कोशिश की कि जो नॉर्मल प्राइस होता है नेसेसिटी कॉमोडिटीज का उससे ही कम मार्केट की प्राइसेस रहे ताकि आम जनता भी उसके रूल में उसके राज में खुश रहे. आगे, ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ब्लैक मार्केटिंग. अब एक जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी उसको इसने बिल्कुल ही अच्छे से स्ट्रिक्टली उसको एनालाइज किया, उसको प्रोहिबिटेड किया, उसको खत्म किया. ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि पहले जो व्यापारी होते थे क्या करते थे, वो एक चीज या किसी भी चीज को अच्छे अपने पास स्टॉक में जमा कर लेते थे और उसको बाहर नहीं निकाला करते थे. जब उसका रेट बहुत हाई हो जाता था, वो बहुत डिमांड में था, उसको ज्यादा पैसे पे, ज्यादा भाव पे, ज्यादा प्राइस पे बेचा करते थे. तो ये इसने अच्छे से चेक रखा, काफी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया ताकि वो चेक लगा के रखे कि भाई कोई ऐसा व्यापारी काम तो नहीं कर रहा. तो स्ट्रिक्टली इसने ब्लैक मार्केटिंग को एनालाइज किया, इस पर एक तरह से अपना वो रखा. एंड रेवेन्यू आर वॉज कलेक्टेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड. अब जो रेवेन्यू होता है, जो पैसे थे, जो भी पैसा इसके पास आता वो ये कैश के फॉर्म पे ही कलेक्ट करता है, नॉट इन काइंड. अब काइंड का मतलब होता है कि भाई उधारी के तौर पे या पैसे की जगह आपने उसको भेड़ बकरी या कुछ और चीज़ दे दी है पैसे के बदले, तो ये चीज़ नहीं चला. उसने कहा जो भी डीलिंग होगी वो पैसे के अंदर ही होगी. आगे, ही फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी टूवर्ड्स द हिंदू एंड इम्पोज द जजिया ग्रेजिंग टैक्स एंड हाउस टैक्स ऑन द हिंदी कम्युनिटी. अब देखिए बहुत सारी इसमें खामियां थी, उसमें से एक ये खामियां देखी जा सकती है हिंदू के पॉइंट से, पर ये मुस्लिम से तो काफी अच्छा था, पर हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू में ये था कि बिल्कुल भी रिलीजियस टॉलरेंट नहीं था. इसने एक जजिया कर नाम का इम्पोज, जजिया एक टैक्स होता है बेसिकली, उन पर इम्पोज कर दिया था जो नॉन मुस्लिम थे, ठीक है, नॉन मुस्लिम यानी हिंदू थे या कोई और धर्म जैनिज्म बुद्धिज्म फॉलो करते थे. तो ये जो मुस्लिम धर्म वालों के था उनके लिए तो बहुत अच्छा था, पर लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग थे वो इसमें काफी खामियां ढूंढते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल खामियां की ये बिल्कुल नॉन ट्रांजिट, बहुत सारे टेम्पल्स को भी हटाया और जो भी जो कल्चर था इसके मुस्लिम के अलावा उसको ये इतना प्रमोट नहीं करता था, उन पे ये टैक्स वगैरह लगा देते थे, हिंदू पे टैक्स लगाया, जिसको जजिया कहा गया. जजिया इज ए काइंड ऑफ टैक्स. ठीक है, आगे देखते हैं हम मार्केटिंग सिस्टम. ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम इसने क्या क्या चीजें किया. ऑफिसर्स कॉल्स है दीवाने रियासत वर अपॉइंटेड इन द ऑफिस कॉल्ड शाहने मंडी टू स्टैंडर्डाइज द मार्केट. अब देखिए इन्होंने जो आज के टाइम में हम डिपार्टमेंट वगैरह देखते हैं वो कुछ ना कुछ इसी से निकल के आया. उसने अलग अलग डिपार्टमेंट हर एक एरिया में बनाए जो उस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उस अच्छे से उसको गवर्न करेंगे और अच्छे से चलाएंगे कैसे उसको करना है. ठीक है, अब जैसे कि इसने दीवाने रियासत करके एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जिसका काम क्या था कि जो मंडी होती थी उसमें मार्केट में कैसा प्राइस रहेगा, क्या उसके स्टैंडर्डाइज, मतलब हर जगह एक ही तरह का प्राइस होता है कि कम ज्यादा ना हो, उसको देखने के लिए इसने एक ऑफिस बनाया जिसका नाम था शाहने मंडी. ठीक है, शाहने मंडी, और ऑफिसर कौन सा अपॉइंट किया, दीवाने रियासत. ठीक है, आगे देखते हैं. मर्चेंट शुड हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ इन द ऑफिस शाहने मंडी बिफोर सेलिंग देयर गुड्स एट अ फिक्स रेट. तो जो शाहने मंडी थी वो एक डिपार्टमेंट था जहां पे चीजें बेचा करते थे, जो कि मंडी थी, जिसको मार्केट कह सकते हैं. तो मार्केट में अगर आपको अपनी चीज बेचनी है किसी भी मर्चेंट को, किसी व्यापारी को अपनी चीज बेचनी है, तो वहां पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि ये पता लग सके कि आप यहाँ पे रजिस्टर हो और एक सर्टिफाइड और रजिस्टर पर्सन ही वहां पे अपनी चीजों को सेल कर सकता था और एक ही रेट पे जो सबके साथ मैच करता हुआ उस पर बेच सकता था. आगे देखते हैं. अलाउद्दीन खिलजी एस्टिमेट, ही वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग द स्टैंडर्ड आर्मी. बहुत जो इसकी
उभर के चीजें आते हैं। सबसे पहली चीज ये कि इसने एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की, तो उसको बहुत हेल्प करती है बहुत जगह अपने एनेक्सेशन करने में और बहुत जगह के एरिया को जीतने के लिए। ठीक है, अगर अगला इसने बहुत इंपॉर्टेंट अलाई दरवाजा को कंस्ट्रक्ट किया था, पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर एंड द फोर्ट ऑफ सीरी। ठीक है, तो ये तीन चीजें ने कंस्ट्रक्ट कराई थी। आगे देखते हैं, सक्सेसर आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा, बहुत एफिशिएंट सक्सेसर था। हाँ, कुछ लोगों के लिए टॉलरेंट नहीं था, हिंदूज के लिए कुछ में खामियां थी, पर लेकिन उसके बाद आने वाले सक्सेसर जो खिलजी डायनेस्टी के होते हैं वो इतने काबिल नहीं हो सकते, जो इतनी लेगेसी, बड़ी लेगेसी होती है अलाउद्दीन खिलजी को, उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं, और जो इतने बड़ा वो छोड़ के जाता साम्राज्य उसको धीरे धीरे डिक्लाइन पे ले आते हैं। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसीर उद्दीन खुसरो शाह, ये दो बाद में आएंगे, ये 1600 से 1620 तक रूल करेगा और 1620 के बाद आगे रूल करेगा। उसके सक्सेसर जो है काफी वीक होंगे, और आगे जब भी कोई एक सक्सेसर, कोई एक किंग वीक होएगा तो कोई ना कोई साइड से अपने आप को साबित करके नया किंग बनने की कोशिश करेगा। और आगे कोशिश यहाँ पे कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316। सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वर वेरी वीक रूलर्स। इवेंचुअली इन 1328 द गवर्नर ऑफ पंजाब गाजी मलिक लेड अ ग्रुप ऑफ नोबल्स कंक्वर दिल्ली एंड कैप्चर द थ्रोन। तो पंजाब का एक गवर्नर था गाजी मलिक के नाम से, वो अपने साथ कुछ मंत्री शंत्रियों को पकड़ता है और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है और दिल्ली के थ्रोन पे कब्जा कर लेता है। गाजी मलिक अज्यूम द नेम ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक। तो जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, कोई भी एक पर्सन होता है जब वो एक बड़ी गद्दी पे, एक बड़े उस पे आता है, राज को संभालता है, तो अपना एक नया नाम लेता है। उसी तरह गाजी मलिक अपना नया नाम रखता है ग्यासुद्दीन तुगलक, और ये तुगलक ही बनती है अगली डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसको फाउंड किसने किया है, हमारे गाजी मलिक, ऑल्सो नोन एज ग्यासुद्दीन तुगलक। फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, द थर्ड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो हम स्टार्ट अगली वीडियो से करेंगे। यहाँ पे आपकी खिलजी डायनेस्टी, सेकंड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, डायनेस्टी ऑफ रूलर्स। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि तुगलक डायनेस्टी में कौन कौन आता है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।